मैं आई थी अपने चश्मा बनवाने के लिए, मेरा ब्लू ने ना चश्मा खराब कर दिया। मैं घर में जाके आपको दिखाऊंगी, मैं टेबल में रखा था, उसने चबा चबा के पूरा उसको खराब कर दिया। और ये मैं इमरजेंसी में ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो मैं नया चश्मा बनवाने आई थी, मैं दुकान में गई थी, मुझे लगा आज ही मिल जाएगा, बट उन्होंने बोला मैम लेंस अवेलेबल नहीं है तो आपको कल ही मिलेगा, तो मुझे कल ही मिल पाएगा नया चश्मा। तो मेरा फेवरेट चश्मा था जो उसने ख़राब कर दिया है। तो मैं अभी जा रही हूँ घर की तरफ, आपको मिलती हूँ थोड़ी ही देर में। गाइस, तो मैं अभी पहुंच चुकी हूँ घर और मेरा सामान गिर गया, एक मिनट। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर, अभी बेटे ने चिप्स मांगा तो चिप्स लेके आई हूँ मैं। जस्ट नाउ आई एम रिच होम। मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है, उसकी भी मैं स्टोरी बताऊंगी क्यों खराब है। आप लोग सोचोगे मैक्सिमम नॉर्थ लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, मेरी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू, बिना बेल बजाए खोल दिया आपने, मुझे पहले पता चल गया। पहले मैंने वो ब्लैंकेट ऊपर रखो, और भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, देखो देखो फिर चढ़ गई है। जब भी हम बाहर से आते हैं इनका यही काम है, सबसे पहले चढ़ाई करेंगे, चढ़ाई। मेरा खाना बन चुका है, मैंने बेटे को खाना दे दिया है, मैंने बर्तन वगैरह भी धो के रख दिए हैं, मैंने यहाँ पे पोछा भी मार दिया है, देख सकते हो मैं नीचे बैठ गई, मैंने कहा मैं थक गई थी पोछा मारते मारते। मैंने अपने दोनों डॉगी को भी खाना दे दिया है, वो सो चुके हैं, बेटा भी सोने गया है अभी, और मैं अब मैं खाना खाऊंगी थोड़ा टीवी देखते देखते, और उसके बाद थोड़ा सा जो अधूरा काम है उनको मैं करूंगी। आज मैंने बनाया था स्कॉच, एक आता है सब्जी वो नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है और कैलकटा वाले भी जानते हैं स्कॉच क्या होता है, वो बनाया था मैंने, और चटनी बनाई थी थोड़ी सी, बिना चटनी के तो मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। और हस्बैंड गए हैं ड्यूटी में, उनकी नाइट शिफ्ट रहती है तो मैं अकेली हो जाती हूँ रात को खाना खाने के लिए। और आपके जितने भी आप लोगों ने मुझे प्यार दिया उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। अगर मेरे 2-3 भी व्यूज़ आते मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। जिसने भी देखा आप लोग को प्रभु बहुत आशीष करे, और आई होप मैं आने वाले दिनों में और अच्छा व्लॉग बनाऊँ आप सभी के लिए। जैसे मैंने पहले भी मैं बार बार कहती आई हूँ कि मुझे इस सब का बिल्कुल आइडिया नहीं, जैसा आता है मुझे मैं वैसा कर रही हूँ, और मैं और बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ उसके लिए। बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ क्या करना चाहिए, क्या कंटेंट डालना चाहिए, मुझे कंटेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अभी, बट जो भी आता है मैं डाल देती हूँ। ब्लू आजा, ब्लू देखो वहां चला गया, मैंने डाटा, आजा आजा, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या लेके गया तू? अच्छा वो बीटरूट जो दिन का खाना था ना, दिन को मैंने इनको बीटरूट और चावल एंड पम्पकिन मिला के चिकन मिला के दिया था, इसने चिकन चिकन छाट के खा लिया, ठीक है। और जो बीटरूट का बचा हुआ था वो अब खा रहा है, जब भूख लगती है ना तो सारा वेज भी खा लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको अगर चिकन चाहिए तो उसको चिकन ही खाता रहेगा। वो देखो खा रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, अब भूख लग गई होगी ना, जो उसने बचाया हुआ था वो खा रहा है, अब पूरा फिनिश कर रहा है। ए ब्लू, अब भूख लग रही तेरे को बेटा? ब्लू अब भूख लग गई उसको, हालांकि मैंने इनको खाना मैं दे चुकी हूं, पता नहीं फिर भी क्यों इसको ये इनको मतलब ओवर डाइट दो ना तो फिर ये उल्टी कर देते हैं ये, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा दिया था, शायद पेट नहीं भरा इसका तो वो अपना बचा हुआ खाना खा रहा है, पता नहीं, क्योंकि कई बार है कि मैंने दिया है ज्यादा, बट ये ना वॉमिट कर देते हैं ये लोग, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही देती हूँ, मैं ज्यादा नहीं देती। अब ज्यादा नहीं दूं तो इसका पेट नहीं भरता, ज्यादा खाएं तो ये वॉमिट कर देता है, तो बस यही है दोनों का। तो गाइस, आज का व्लॉग यहीं तक था, आई होप आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा, और प्लीज आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमें आपके प्यार की बहुत बहुत जरूरत है, आपके प्यार की, आपके लाइक की, आपके सब्सक्राइब की हमें बहुत जरूरत है, मुझे नहीं मेरे चैनल को बहुत बहुत जरूरत है, मेरे सारे प्यारे सब्सक्राइबरों जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया, जिन्होंने भी मेरा वीडियो हो चाहे एक मिनट के लिए देखा क्यों ना, चाहे वो एक सेकंड के लिए भी क्यों ना देखा हो, मैं उन सभी का तह दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ आप सभी का कि आपने एटलीस्ट मेरी वीडियो को खोल के देखा। अब काश मैं आप सभी को मैं देख पाती, काश मैं आप सभी का नाम को मैं जान पाती, आपको प्रभु बहुत बहुत आशीष करे, जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा, जिन्होंने भी इस चैनल को क्लिक किया, उन सभी के जीवनों में हर एक
कार्य को जो आप करने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल हो और आने वाले दिनों में आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य हो। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का जिन्होंने मेरे इस चैनल को बहुत सारा प्यार दिया और मैं विश्वास रखती हूँ आने वाले दिनों पे आप मेरे इस चैनल को और प्यार दोगे और सब्सक्राइब दोगे और लाइक दोगे। चलो मैं मिलती हूँ आप सभी को अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट स्वीट ड्रीम। आप सभी अपना ख्याल रखना, हम मिलते हैं अपने अगले नए व्लॉग में। टाटा।